इस सवाल में आपको दिया गया एक लकड़ी का लॉग जिसके अराउंड हमने इस तरीके से एक रस्सी रैप करके यहाँ बांध दी और यहाँ पे हमने इस नॉट पे फोर्स लगाया एफ। आपसे इन दोनों रस्सियों में या एक ही रस्सी है ये टेंशन टी और थीटा के बीच में रिलेशन पूछा गया है। थोड़ा हॉर्न काट दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं नॉट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करता हूँ। आप देख सकते हो उधर से टी साइन थीटा और इधर से टी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, तो इनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें फोर्स के लॉन्ग जो डायरेक्शन है उसके बारे में सोचना है। तो फोर्स के लॉन्ग मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया है। अब अगर हम फोर्स के लॉन्ग इन दोनों के कंपोनेंट करें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इन दोनों टेंशन के कंपोनेंट करें, तो क्या आएगा? टी कॉस थीटा इसका और टी कॉस थीटा इसका। तो क्योंकि नॉट मासलेस है, मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ माइनस टी कॉस थीटा इसका और टी कॉस थीटा इसका, टू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज टू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ। This implies t is equal to f upon 2 cos theta. अब आपसे पूछा गया है कि अगर मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा तो टेंशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब देखिए, अगर थीटा को मैं इंक्रीज करता हूं, this implies cos theta will decrease. Cos theta डिक्रीज होगा तो this implies उस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा। दिस इम्प्लाइज जो टेंशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो थीटा को इंक्रीज करने पे टेंशन भी इंक्रीज होगा। आपसे दूसरा सवाल पूछा गया है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए टेंशन जो है वो एफ से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं, थीटा इंक्रीज होने पे पहले तो टेंशन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक वैल्यू आएगी थीटा की जिससे ज़्यादा थीटा करने पर टेंशन एफ से ज़्यादा होगा। तो उस वैल्यू पर टेंशन किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। तो अगर मैं लिख दूं टेंशन इज इक्वल टू एफ, दिस इंप्लाइज एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज टू कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाय टू, विच इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू पाई बाय थ्री या 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे टेंशन और एफ बराबर आ जा रहे हैं, और आपको ये पता है कि थीटा बढ़ाने पे टेंशन बढ़ता है। मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज इफ थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय थ्री, दिस इंप्लाइज टेंशन इज ग्रेटर देन एफ। थीटा अगर पाई बाय थ्री से बड़ा है तो टेंशन एफ से बड़ा होगा, और थीटा जब इंक्रीज होता है तो टेंशन इंक्रीज होता है। ये दो आपके आंसर्स हैं।